स्किन डिजीजेस के पेशेंट्स को जनरली कहा जाता है कि उनको दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए। इसका क्या रीज़न है, चलिए जानते हैं। दूध में आजकल उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गायों को क्या होता है, आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन किया जाता है। तो ये सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है, आपकी सीबम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। और जैसे ही आपका सीबम प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसकी वजह से आपके जो पोर्स है वो ब्लॉक होने लगते हैं और उसमें आपको एक्ने, ब्रेकआउट, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स ये सब होने लगते हैं। साथ में जो मिल्क का प्रोटीन है केसीन, वो क्या करता है, ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ा देता है। और जैसे ही ब्लड में इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इन अ वे ये भी क्या करता है, आपके स्किन में एक्ने, एक्जिमा, डीपिगमेंटेशन, यहाँ तक कि एकांथोसिस नाइग्रा जैसी कंडीशंस को भी प्रमोट करता है। साथ ही जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोलाजन का ब्रेकडाउन भी फास्टर होने लगता है और उसकी वजह से एजिंग के अर्ली साइंस आने लगते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स भी अपीयर होने लगते हैं। तो अगर आपको भी कोई स्किन कंडीशन है और आपके डॉक्टर ने मना किया है तो आप भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से दूरी बना के रखिए और इनको एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम मत कीजिए।